हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईआईटी थिंकिंग। आज हम देखने वाले हैं कार्बोकैटायन की स्टोरी। कार्बोकैटायन की स्टोरी से मतलब है कि हम कार्बोकैटायन से रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी हम सब सीखेंगे, जैसे कि स्टेबिलिटी, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन, ये हर जगह यूज होती है। स्टेबिलिटी से रिलेटेड हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीअरेंजमेंट का यूज होता है रिएक्शन मैकेनिज्म में, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में पूरा देखेंगे। अगर आपको लगता है कि आपको कार्बोकैटायन के बारे में अच्छे से आता है तो टेस्ट योर कॉन्सेप्ट, ये अच्छे क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व जी अगर कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर पाते हैं तो आइए सीखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पीछे की कुछ चीज़ें कनेक्टिविटी बनाना चाहते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आए। हम एक कुछ पिछला जैसे हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हमने स्टार्ट किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जीओसी। अब केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें रिएक्शन, आप पीछे देखोगे ज़्यादा समझ में आएगा। अगर किसी को कुछ जल्दी जल्दी हम रिवाइज करा देते हैं चीज़ों ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे। तो देखिए, रिएक्शन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तक की स्टोरी बिग स्टोरी होती है। हमने फिर और इलेबोरेट किया था जो कि रिएक्टेंट में बेसिकली रिएक्टेंट ही नहीं होता, सबस्टेट प्लस रिएजेंट होता है, फिर सॉल्वेंट आता है। सॉल्वेंट के बाद दो पॉसिबिलिटी होती है, ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्शन इंटरमीडिएट। और रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारे इतने तरह के होते हैं, फिर कहीं जाके हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो कोई भी रिएक्शन होने के लिए इतने स्टेप के बारे में जानना, आपको सभी चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है। हमने सबस्टेट पढ़ लिया पूरा डिटेल में, फिर हमने रिएजेंट पढ़ लिया, हमने सॉल्वेंट के बारे में पढ़ लिया, और हमने ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ लिया। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट के कितने टाइप्स होते हैं, उसमें पहला जो है कार्बोकैटायन के बारे में पढ़ेंगे, फिर कार्बन आयन के बारे में, फिर फ्री रेडिकल, फिर कार्बन। ठीक है ना, तो हम कार्बोकैटायन को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कार्बोकैटायन, तो कार्बोकैटायन की अगर हम बात करें तो कार्बोकैटायन मतलब यह कैसा स्पीसीज होता है, 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है। आप कहोगे सर 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कैसे, तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ऐसे, देखो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है, तो देखो इसी को स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखे तो ऐसे लिखे हैं। तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन से मतलब आप यह कह सकते हो कि कार्बोकैटायन जो होता है वो कैसा होता है, 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है। ठीक है, क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब कहोगे इलेक्ट्रॉन रिच क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन रिच अगर कभी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो तो उसे इलेक्ट्रॉन रिच बोलते हैं। ऑक्टेट मतलब अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं किसी के पास, तो वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो वो है इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो इससे हमें ये बातें समझ में आई। अब देखो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो और इसके बारे में क्या कह सकते हैं, यह अगर इसका आप हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन इसका आएगा sp2, क्या आएगा sp2। ठीक है, sp2 क्यों आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3, और लोन पेयर कितने हैं, 0, तो 3 मतलब sp2। ठीक है, sp2 से मतलब आप क्या कह सकते हो कि यह एक कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। कार्बोकैटायन कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका। ठीक है, कार्बोकैटायन का ट्राइगोनल प्लेनर। और आप इसके बारे में क्या कह सकते हो कि देखो कार्बोकैटायन है, कहीं ना कहीं कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ पे 3 ही बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड गायब हो गया है, कार्बोकैटायन आ गया है। तो कार्बोकैटायन आ गया है तो इसके कारण यह क्या होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है इसके पास, वैकेंट ऑर्बिटल होता है इसके पास, पी ऑर्बिटल। ठीक है, तो इतनी बातें कार्बोकैटायन के बारे में आपको जाननी जरूरी थी। ठीक है, तो अब देखिए कार्बोकैटायन की जो एप्लीकेशन है, स्टेबिलिटी से क्वेश्चन पूछता है, तो उसके बारे में हम सीखते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आपको कैसे पता चलेगा कि सर कार्बोकैटायन हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, ये कहाँ कहाँ आता है। तो देखो कार्बोकैटायन आपको जब रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ोगे ना तो उन सब सारी चीज़ों में यूज होगा, तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोकैटायन। तो यह देखो पहले कार्बोकैटायन कहाँ पे बनता है, किन किन रिएक्शन में बनता है, तो पहला है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अगर आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म हम पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, 0 A to Z लेक्चर। ठीक है, तो आप टेंशन ना लो, अभी आप इतना जान लो कार्बोकैटायन इन रिएक्शन में फॉर्म होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसको हम देखेंगे अलग से लेक्चर रीअरेंजमेंट के बारे में, और कुछ नेम रिएक्शन भी होती हैं जिनमें हम कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, जब वो पढ़ाएंगे तो बताएंगे, अभी आप इतना जानते रहो। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा हम आइडिया देना चाहें तो आपको दे देते हैं एक एग्जांपल के, तो जैसे मान लो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ लेते हैं, तो मान लो मेरे पास एक एल्कीन है, एल्कीन ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो एल्कीन, और यहाँ पे मान लो कोई HX ले लिए आप रिएजेंट। ठीक है, ये सब टेंशन ना लो, नहीं लो, हम डिटेल में पढ़ाएंगे। तो देखो यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे एल्कीन हमारा क्या होता है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और फिर कहीं हमारा अगले स्टेप में जाके हाइलोजन आके जुड़ता है, जब मैकेनिज्म आप पढ़ोगे तो आपको बताएंगे।
तो देखो यहाँ पे ये कार्बोकैटायन एक तरह का बना है। तो एक हम एग्जांपल लेके आपको समझाया है, बाकी हम आपको डिटेल मीन्स आपको पूरा डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो जो मेन एप्लीकेशन पार्ट है ना इसका अब आता है, ये बहुत मतलब कि कंपलसरी है एग्जाम के ओरिएंटेड, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो जब भी आप कभी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पढ़ते हो ना तो उसमें किन बातों का ध्यान रखना है, कार्बोकैटायन जो स्टेबलाइज होता है ना वो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप द्वारा स्टेबलाइज होता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मतलब क्या होता है, जो प्लस एम लगाए, प्लस आई लगाए, प्लस आर लगाए, प्लस आर और प्लस एम एक ही बात होता है, और जो प्लस एच लगाए या बैक बॉन्डिंग हो जिसके पास, और एरोमेटिसिटी हो और डांसिंग रेजोनेंस हो, तो वो अगर ये सब कहीं दिखता है तो वो क्या करते हैं, हमारी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। तो अब आपको एक एक चीज़ों को हम डिटेल में बताते हैं कि ये होता क्या है, मतलब कि कैसे स्टेबिलिटी बढ़ता है इनका। तो देखो कभी भी आपको अब आपके मन में एक प्रश्न और आना चाहिए कि अगर मान लो अगर ये सब चीज़ें बढ़ाते हैं तो अगर मान लो कहीं कहीं दोनों फैक्टर लग रही, सारे फैक्टर लग रहे हों तो हम किसको डोमिनेटिंग फैक्टर मानेंगे। तो जो हमारा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है ना, सबसे पहले आपको अप्रोच क्या होगा, देखो कभी भी स्टेबिलिटी बताओ ना तो हमारा जो अप्रोच होगा वही अप्रोच फॉलो करना कभी गलत नहीं होगा। पहले आप देखा करो एरोमेटिसिटी, क्या देखोगे, एरोमेटिसिटी, पहले आप हमेशा ये देखना एरोमेटिसिटी। अगर कहीं भी एरोमेटिसिटी है तो वहाँ पे आप क्या कर दोगे, सबसे ज़्यादा वो डोमिनेटिंग फैक्टर होगा। दूसरा होगा हमारा डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है हम आपको बता देंगे, टेंशन नहीं लो। डांसिंग रेजोनेंस मतलब कभी भी आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिखता है ना तो वहाँ पे क्या होता है, डांसिंग रेजोनेंस। तो सबसे पहले अगर कभी एरोमेटिसिटी है तो मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा कंपाउंड स्टेबल होगा और डांसिंग रेजोनेंस होगा फिर। और तीसरा अगर मान लो कभी भी उसके बाद डांसिंग रेजोनेंस के बाद हमारा क्या देखते हैं, बैक बॉन्डिंग मतलब क्या है, मान लो कोई कार्बोकैटायन है, मान लो एक कार्बोकैटायन है और बी कोई स्पीसीज है उसके पास लोन पेयर है, तो वहाँ पे बैक बॉन्डिंग होता है। तो जो हमारा तीसरा फैक्टर होता है बैक बॉन्डिंग देखा करो। और जो हमारा चौथा फैक्टर आपको दिख रहा है, चौथा फैक्टर होगा हमारा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। देखो कंफ्यूज नहीं होना इससे, ये हम और चीज़ों को डिटेल में बता रहे हैं, अभी एग्जांपल लेंगे तो और समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में सबसे पहले आप क्या देखोगे, रेजोनेंस में कौन, प्लस आर, और उसके बाद क्या देखोगे, हाइपर कंजुगेशन में प्लस एच, और फिर आप देखोगे इंडक्टिव, ये देखोगे चौथा नंबर भी आपको ये देखना है, ठीक है। और उसके बाद पांचवा नंबर पे आप कहीं भी देख लो, अगर मॉलिक्यूल हमारा क्या है, एंटी एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमने पूरा एरोमेटिक का ट्रिक बताया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। एंटी एरोमेटिक कहीं भी दिख गया तो वो भी हमारा क्या होता है, लीस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। तो अब आइए एक एक करके हम एग्जाम्पल आपको अच्छे से एग्जाम्पल करोगे तो ज़्यादा चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो देखिए ये हमने बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल ले रखे हैं, इससे आपके सारे डाउट जो होंगे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या है, पहला मैं आपको इस सब में स्टेबिलिटी बताना है। तो देखिए अगर आप स्टेबिलिटी बताओगे इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो कभी भी सबसे पहला फैक्टर आपको क्या सोचना है, एरोमेटिसिटी। तो देखो ये एरोमेटिसिटी है, देखो टू इलेक्ट्रॉन है तो ये तो हमारा एरोमेटिक है। यहाँ पे देखो दो चार, अगर चार से टोटल पाई इलेक्ट्रॉन अगर डिवाइड बाई फोर हो जाते हैं, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, तो वो एंटी एरोमेटिक होता है। और थोड़ा ट्रिक हम आपको बता देते हैं शॉर्टकट में, देखो अगर आप क्या करो पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई क्या कर लो, फोर कर लो, अगर वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है तो वो हमारा एरोमेटिक होता है। अगर पाई इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई फोर कर लो वो डिवाइड हो जाता है तो वो हमारा एंटी एरोमेटिक होता है। और पाई इलेक्ट्रॉन, और अगर कभी भी आपको एक भी कार्बन साइक्लिक रिंग में एक भी कार्बन sp3 दिख जाए तो वो हमारा नॉन एरोमेटिक होता है। ये सिंपल ट्रिक याद रख लो, इससे आपके सारे सवाल हो जाएंगे, बाकी आप एरोमेटिसिटी में अगर डाउट हो तो पूरा देख लेना डिटेल में। तो ये एरोमेटिक है, ये हमारा एंटी एरोमेटिक है। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, इसमें स्टेबल हमारा कौन होगा, एरोमेटिक होगा, एरोमेटिसिटी। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन में आप ये लगाओ, देखो यहाँ पे तो एरोमेटिसिटी का सवाल आएगा नहीं क्योंकि साइक्लिक है नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या हमारा दिख रहा है, सबसे पहले आप देख लो यहाँ पे इंडक्टिव तो सोचो नहीं,
क्योंकि देखो एरोमेटिसिटी नहीं लगे, डांसिंग रेजोनेंस नहीं लगेगा, बैक बॉन्डिंग का सवाल नहीं उठता है क्योंकि लोन पेयर कहीं दिख ही नहीं रहा है कार्बोकैटायन के बगल। तो अगला इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में कौन होता है, रेजोनेंस होता है, फिर हाइपर कंजुगेशन होता है, फिर इंडक्टिव होता है। तो इंडक्टिव तो लिस्ट होता है, इसे बाद में सोचना है। रेजोनेंस देखो, रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी नहीं है, हाइपर कंजुगेशन की पॉसिबिलिटी है देखो, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन ये sp2 कार्बन, ये sp3 कार्बन, sp3 कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन क्या हो, अगर देखो sp2 के बगल sp3 कार्बन से जुड़े एटलीस्ट एक हाइड्रोजन हो तो वहाँ हाइपर कंजुगेशन होता है। तो यहाँ देखो दो अल्फा हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को देखना है एक दो, यहाँ पे देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये सी एच थ्री तीन दो पाँच, यहाँ पे टोटल अल्फा हाइड्रोजन पाँच है, यहाँ पे कितने हैं सी एच थ्री सी एच थ्री, तो देखो तीन तीन छः, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन छः है, तो हमारा सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल होगा, ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, ठीक है। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है हमारा ये वाला, ठीक है। तो अब इसमें आप देख लो, इसमें आप क्या कहोगे, कार्बोकैटायन है, तो कार्बोकैटायन है देखो, फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर, क्लोरीन के पास भी लोन पेयर, ठीक है। तो अब बात कहोगे यहाँ भी बैक बॉन्डिंग हो रहा है, यहाँ भी बैक बॉन्डिंग हो रहा है ना, यही पॉसिबिलिटी है। स्टेप बाय चलना है आपको, वही जो मैंने बताया था, तो एरोमेटिसिटी, बैक बॉन्डिंग, तो हम डायरेक्ट हम बता बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी दिख रही है। अब देखो तो आप किसको डोमिनेटिंग फैक्टर मानोगे, देखो यहाँ कार्बन हमारा 2p है, ठीक है, और ये भी हमारा 2p ही है देखो, और यहाँ कार्बन 2p है, यहाँ ये हमारा 3p है, ठीक है साइज। तो इसका ओवरलैपिंग बहुत ही अच्छा होगा, इसका ओवरलैपिंग क्या होगा, बहुत ही कम होगा, अच्छा कम अच्छा होगा, ठीक है। तो ओवरलैपिंग कहाँ अच्छा होगा, इस केस में होगा, तो इसलिए हमारा कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, समझ में आई बात आपको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये वाला है। तो इसमें स्टेबिलिटी कैसे बता, सबसे पहले साइक्लिक रिंग है तो एरोमेटिसिटी वाला सोचो। तो देखो ये हमारा एरोमेटिक है, और ये हमारा कैसा है, ये डांसिंग रेजोनेंस वाला है, हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और यहाँ पे ये देखो क्या हो रहा है, नॉर्मल रेजोनेंस हो रहा है, नॉर्मल क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। तो देखो ये कार्बोकैटायन यहाँ रेजोनेंस में जा रहा है ना, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। तो अब एक चीज़ देखो, सबसे पहले मैंने बताया था एरोमेटिसिटी, तो पहले नंबर पे ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था, डांसिंग रेजोनेंस वाला, और फिर कहीं हमारा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, रेजोनेंस हमारा इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में आता तो ये हमारा थर्ड नंबर पे हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये हो जाएगा, ठीक है, याद रख लेना। यहाँ पे और पाँचवा ये वाला एक्सेप्शन है, स्टार बना के लिख लेना। आप हमेशा रेजोनेंस को डोमिनेट कराते हो हाइपर कंजुगेशन में, लेकिन यहाँ पे इस केस में ये गलत हो जाएगा, हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट होता है रेजोनेंस पे। यहाँ पे देखो टोटल 12 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो हमारा ये वाला ज़्यादा स्टेबल होता है, स्टार बना के लिख लेना इसको, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस हो रहा है, दिख रहा है आपको, और ये हमारा लोन पेयर है बगल में, तो बैक बॉन्डिंग हो रहा है, तो डांसिंग रेजोनेंस और बैक बॉन्डिंग कौन जीतेगा, ये जीतेगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है ये, यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे आप देखो ये क्या है, ये हमारा बैक बॉन्डिंग कर रहा है यहाँ पे, हाँ ठीक है बैक बॉन्डिंग कर रहा है। अब यहाँ पे तो आप देखोगे ये रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन आप रेजोनेंस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ड्रा करके देखो, तब जाके आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा देखो, यहाँ पे ये इधर बैक बॉन्डिंग कर रहा है, इधर रेजोनेंस में जा रहा है, दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये केवल बैक बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है। ये इस लोन पेयर को देखना, यहाँ पे ये केवल बैक बॉन्डिंग कर रहा है, यहाँ पे ये लोन पेयर इसके साथ क्या कर रहा है, इधर रेजोनेंस में जा रहा है, इधर बैक बॉन्डिंग कर रहा है, तो हमारा क्या हो, कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे ये लोन पेयर डिस्पर्स हो रहा है, मतलब कि चार दोनों तरफ डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे केवल बैक बॉन्डिंग कर रहा है, तो इसलिए ये वाला जीत जाएगा, ठीक है। तो ये वाला हमारा फैक्टर जीत जाएगा, तो याद रखना इसको। तो अगला हम देखते हैं, तो ये हमने कर लिया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के आपने सॉल्व कर लिया। अब देखो इस केस में क्या, इस केस में आपको कुछ दिख नहीं रहा है, कोई क्या दिख रहा है, तो देखो यहाँ पे ये है sp, यहाँ पे आप निकालोगे कुछ भी, ये sp, यहाँ पे आप sp2 निकालोगे, यहाँ पे sp3 निकालोगे। तो कार्बोकैटायन का जो कार्बोकैटायन को जो सबसे ज़्यादा पसंद होता है वो होता है sp3, फिर sp2 और फिर sp, ठीक है, ये होता है कार्बोकैटायन हमेशा sp3 को ज़्यादा पसंद करता है, ठीक है। तो sp3 सबसे ज़्यादा ये स्टेबल होगा, फिर ये और फिर ये कार्बोकैटायन केस में, और कार्बोकैटायन केस में जस्ट उल्टा हो जाता है, sp फिर sp2 और फिर sp3, ठीक है, ये कार्बन आयन के केस में हो जाता है, तो याद रखना। अगले क्वेश्चन, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रख रहे हैं, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन है, इस केस में आप देखो, अब इस केस में आप क्या कहोगे, यहाँ पे आप बैक बॉन्डिंग नहीं लगा देना,
यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे नॉर्मल इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर देखोगे और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि कार्बोकेटायन के बगल लोन पेयर होना चाहिए तभी बैक बॉन्डिंग होता है। तो ये कार्बन है यहाँ, गलत नहीं कर देना, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इंडक्टिव ये भी माइनस आई लगा रहा है फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन भी माइनस आई, तो माइनस आई जो होता है किसका ज़्यादा होता है, माइनस आई फ्लोरीन का ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का ज़्यादा होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो कार्बोकेटायन को हमेशा कौन सा पसंद होता है, प्लस आई पसंद होता है, तो उल्टा कर देंगे हमारा ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इस केस में देखो, तो इस केस में आप क्या कहोगे, यहाँ पे आप कार्बोकेटायन, अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा घुमा के दिया, तो आप इसको जब रेजोनेंस कराओगे, रेजोनेंस मैंने डिटेल पढ़ाया, आप रेजोनेंस करा के इसको यहाँ ले आओगे, ये कार्बोकेटायन यहाँ चलाएगा, ठीक है, यहाँ चलाएगा, देखो यही ना। अब एरोमेटिसिटी नहीं बोलना कि सर एरोमेटिसिटी नहीं, क्योंकि एरोमेटिक तो दोनों दिख रहे हैं, देखो ये भी ये भी ये भी ये भी, तो इस कार्बोकेटायन को यहाँ ले आओ, जो थोड़ा डिफरेंट फैक्टर लग रहा है वहाँ वहीं से इसको डिफ्रेंशिएट करो। तो ये करो, अब देखो यहाँ कार्बोकेटायन के बगल तीन अल्फा हाइड्रोजन है, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, यहाँ पर कार्बोकेटायन के बगल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, दो अल्फा हाइड्रोजन है, तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। अब ध्यान देना, तो आप कौन सा सोचोगे, यहाँ पर कौन सोचोगे बताओ थोड़ा, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला, तीन जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन और उतनी ज़्यादा हमारी स्टेबिलिटी। ठीक है, अब एक चीज़ और यहीं पे आपको बता देते हैं, एक चीज़ और आप ध्यान देना, अगर मान लो मेरे पास कहीं ऐसा कुछ हो जाता, इसके ऊपर आ जाता कार्बोकेटायन, जस्ट पेंजीन के एराइल टाइप, तो देखो इसके ऊपर आ जाता और यहाँ पर हमारा CH2 CH3 होता। अब आप इस केस में ना तो रेजोनेंस लगेगा, ना तो हाइपर कंजुगेशन, कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो होता है ना, ये परपेंडिकुलर हो जाता है। कभी भी याद रख लेना, अगर बेंजीन के ऊपर नोट करके लिख लेना, डायरेक्ट कार्बोकेटायन आ जाता है ना, तो वहाँ पे रेजोनेंस वेजोनेंस नहीं देखना, वहाँ पे केवल इंडक्टिव नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। तो ये हमारा प्लस आई लगाएगा, ये भी हमारा प्लस आई लगाएगा, तो प्लस आई कौन ज़्यादा लगाएगा, प्लस आई हमारा जितनी बड़ी एल्काइल ग्रुप उतना ज़्यादा हमारा प्लस आई, तो यहाँ पे ज़्यादा प्लस आई, यहाँ पे कम, तो हमारा ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, याद रख लेना इस केस में। तो देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला है, तो देखो यहाँ पे बस सिंपल सोचो, देखो ये लोन पेयर ऑक्सीजन पे, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, तो ये तो हमने सेम ही बना दिया, ये इसी बनाओ, तो देखो यहाँ पे हमारा बैक बॉन्डिंग हो रहा है, ठीक है, देख रहा है, ये बैक बॉन्डिंग कर लेगा, और यहाँ पे हमारा कोई बैक बॉन्डिंग नहीं हो रहा, तो बैक बॉन्डिंग बस सिंपल है, बैक बॉन्डिंग, और यहाँ बैक बॉन्डिंग हो ही नहीं रहा है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है माइनस आई, तो बस हमारा ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, आप याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, ये तो हमने क्वेश्चन कर ही लिया, CF3 और CCl3 वाला, ठीक है ना, लोन पेयर यहाँ पे लोन पेयर, तो यहाँ पे इफेक्टिव क्या होता है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग ज़्यादा हो जाता है बढ़िया से, ठीक है, नहीं इस केस में इफेक्टिव ओवरलैपिंग, क्योंकि ये 2p है और ये भी 2p, यहाँ पे कार्बन 2p में है और यहाँ 3p में है, तो यहाँ साइड क्या है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग अच्छा होता है, ओवरलैपिंग। ठीक है, अब अगर इस एग्जांपल में देखो, इस एग्जांपल में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे हमने बोला अगर बेंजीन के ऊपर आ जाता है तो वहाँ पर रेजोनेंस वेजोनेंस नहीं लगता है, तो अब सिंपल आप देखो, ये साइनाइड क्या है, माइनस आई लगाता है, ये भी साइनाइड माइनस आई लगाता है। ठीक है, तो अब ध्यान देना, माइनस आई कार्बोकेटायन क्या पसंद होता है, प्लस आई पसंद होता है, तो माइनस आई कैसे कार्बोकेटायन दूर रहना चाहेगा, तो कार्बोकेटायन देखो यहाँ पे एक कार्बन की दूरी पे, यहाँ पे जस्ट बगल में है माइनस आई वाला, तो ये वाला दो कार्बोकेटायन से दूर रहना चाहेगा माइनस आई, तो ये वाला स्टेबल होगा। ऐसे ही आप यहाँ पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ये वाले को, तो यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करोगे, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो, ट्राई करो इसको तुरंत, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको 5 स्टार चाहो तो लगा लो आप। देखो अगर ये क्वेश्चन आप देखोगे ना, आप कहोगे सर इसको रेजोनेंस करा लेते हैं पहले, तो आप जब रेजोनेंस इसको कराओगे ना, तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होता, ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, क्यों नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज आ गया जो कि पागल हो जाता है, तो ये रेजोनेंस कभी नहीं कराना यहाँ पे ना, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा नेगेटिव चार्ज रखना पसंद करता है, तो इसलिए रेजोनेंस मत सोचना किसी केस में। तो यहाँ पे सिंपल क्या सोच लो, हाइपर कंजुगेशन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इसके बगल में 0 अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि कोई हाइड्रोजन ही नहीं दिख रहा है काल, है ना, 0 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखोगे 2 अल्फा हाइड्रोजन, कहाँ पे, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन देखोगे 3 इधर हैं, 2 इधर हैं, तो 5 अल्फा हाइड्रोजन, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, सबसे ज़्यादा ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ठीक है, ऐसे कर लेना। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, तो बस ये सेम केस है, इसमें हमारा रेजोनेंस सोचना नहीं है, इंडक्टिव सोच लो, तो ये अल्काइल ग्रुप है, बड़ी अल्काइल ग्रुप है, तो ज़्यादा प्लस आई यहाँ ज़्यादा लग रहा है, यहाँ प्लस आई थोड़ा कम लग रहा है, तो हमारा ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अगर इस केस में देखोगे तो ये हमारा क्या लगाएगा,
ये हमारा प्लस एम लगाएगा, यहाँ पे ये हमारा माइनस आई और माइनस एम लगाएगा, ठीक है। तो सब ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, कार्बोकेटायन को जितना ज़्यादा मतलब कि प्लस वाले ग्रुप लगे रहेंगे उतना ज़्यादा स्टेबलाइज करेंगे, तो प्लस एम लग रहा है तो पहले नंबर पे हो जाएगा, दूसरे पे ये तो माइनस आई तो पसंद ही नहीं होता तो ये तो डिस्टेबलाइज करेगा, तो ये तीसरे नंबर पे हो जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन आप देख लो, ये क्वेश्चन है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, ये भी आप कार्बोकेटायन देखो 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, वैसे कार्बोकेटायन की डिग्री में देखो 3 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होता है, तो यहाँ पे दोनों है, तो जितनी ज़्यादा हमारा कार्बोकेटायन की साइज साइक्लिक रिंग की साइज बढ़ेगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, तो हमारा 4 मेंबर ज़्यादा स्टेबल होगा, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। बाकी इस केस में आप देख लो, इस केस में आप क्या कहोगे कि ये वाला हमारा कैसा है, एरोमेटिक है 2 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, और ये वाला हमारा रेजोनेंस है, ये वाला तो हमारा ना तो रेजोनेंस है ना तो एरोमेटिक, कुछ भी नहीं लग रहा, तो सिंपल सा हमारा कौन होगा, सब पहले एरोमेटिक होगा फिर ये होगा और फिर ये होगा, ठीक है। और क्वेश्चन है नहीं, अब ओवरऑल मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ, कभी भी आपसे अगर आएगा ना तो ओवरऑल ऑर्डर, ये सबसे ज़रूरी, तो ओवरऑल ऑर्डर मैंने लिख दिया है कार्बोकेटायन के बारे में, कभी भी आपसे पूछे तो आप ऐसे देखना, सबसे पहले एरोमेटिक देखना, फिर डांसिंग रेजोनेंस ये वाला देखना, फिर बैक बॉन्डिंग देख रहे हो ये वाला देखना, बैक बॉन्डिंग स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है, बैक बॉन्डिंग कहाँ होता है मैंने बताया लोन पेयर बगल कार्बोकेटायन, और फिर आपको रेजोनेंस सोचना है, और फिर उसके बाद एक्सेप्शन हमने ये बताया कि यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन डोमिनेटिंग होता है रेजोनेंस पे, ठीक है। फिर ये कहीं दिख गया तो इससे बस यही होना चाहिए, ये हाँ तो एग्जैक्ट होना चाहिए, यही सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, इन सब केस में तो एरोमेटिक बदल जाए कुछ भी, लेकिन यहाँ पे यही होना चाहिए तभी, और ये वाला फिर लेस रेजोनेंस है देख रहे हो, फिर आप ये देखना 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कार्बोकेटायन, फिर एराइल कार्बोकेटायन ये लिस्ट ये भी बहुत कम स्टेबल होता है, फिर विनाइल देखना ऐसे कहीं दिख जाए, और फिर एंटी एरोमेटिक वाला देखना, तो ये होता है हमारा स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर कार्बोकेटायन का, तो आप ऐसे अप्रोच करोगे क्वेश्चन को तो कभी गलती नहीं होगी। और हम कुछ क्वेश्चन आपको देखते हैं, एक चीज़ और बताना चाहते हैं आपको, देखिए एक क्वेश्चन और मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रक्चर है ऐसे, ऐसे देखिए एक ऐसे स्ट्रक्चर है मेरे पास और एक ऐसे स्ट्रक्चर है, ठीक है। आपसे ये पूछा जाए कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा तो आप कौन बताओगे, इसमें कौन बताओगे, देखो ये भी एरोमेटिक ये भी एरोमेटिक, तो अब देखो एरोमेटिक एरोमेटिक हो गया ना, तो यहाँ पे अब देखो कहाँ पे ज़्यादा एरोमेटिसिटी है, तो ये देखो यहाँ पे ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है, पूरे रिंग में रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पे एक ही बार रेजोनेंस हो रहा है, तो फिर रेजोनेंस कितना ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे कम हो रहा है, तो इसलिए ये वाला होगा, ठीक है ना। तो इस केस में आप ऐसे याद रख लेना। 2 एग्जाम्पल और लाए हैं जो कि बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखो यहाँ पे आप कार्बोकेटायन में देखोगे यहाँ एरोमेटिसिटी आएगा नहीं, कुछ बॉय बॉन्डिंग वगैरह दिख नहीं रहा, तो यहाँ पे देखो नॉर्मल सोचो, यहाँ पे देखो ये कार्बोकेटायन हमारा कितना डिग्री है, ये हमारा 2 डिग्री है, यहाँ पे 3 डिग्री है, तो हमें पता है 3 डिग्री 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है ना, तो आप कर दो, आप ये वाले को ज़्यादा स्टेबल कह दोगे, ये वाले को ज़्यादा स्टेबल कह दोगे, ये वाले को कम, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ कार्बोकेटायन ब्रिज पोजीशन पे है, तो ब्रिज पोजीशन पे कभी भी कार्बोकेटायन स्टेबल नहीं होता है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा इस कार्बोकेटायन से, तो हमेशा याद रख लेना। अगर ये देखो ये कार्बोकेटायन ब्रिज पे नहीं, ये ब्रिज पे है, तो ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। अब देखो अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे तो दोनों ब्रिज पे है, ये कार्बोकेटायन भी, अब यहाँ पे क्या सोचोगे, तो कभी दोनों भी कार्बोकेटायन अगर ब्रिज पे आ जाए तो हमारा जितना ज़्यादा साइज बढ़ता है रिंग का उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो हमारा इस केस में ये हो जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, स्टार बना के लिख लेना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हम आपको, ठीक है इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं, आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, अगर किसी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके थैंक यू।